नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन और मेरे साथ है आकाश बस। हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें कहीं ना कहीं सत्ता की जो चाबी है अब जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के पास है। दुष्यंत चौटाला की इस पार्टी पर अब तमाम पार्टियों की नजर है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने भी बार्गेनिंग शुरू कर दी है क्योंकि अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी 40 सीटों पर आगे चल रही है जबकि कांग्रेस 33 सीटों पर, जेजेपी 11 सीटों पर आगे चल रही है और अदर्स के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही है। तो यहां से कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के दिमाग में यह बात आ गई है कि अगर किसी को भी सरकार बनानी है तो उनके फॉर्मूले पर चलना होगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आई है कि दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस के सामने खुद को सीएम पद का दावेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि जेजेपी उन्हें तभी समर्थन देगी जब दुष्यंत चौटाला सीएम बनेंगे। आकाश, क्या डेवलपमेंट है? देखिए, जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला खुद को यह बताने की अब कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट कर दिया जाए, कांग्रेस से उनकी जो बातचीत की बात निकल के सामने आ रही है, जो आप बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है, उसका सीधा मतलब यही है कि वो सत्ता तक पहुंचना चाह रहे हैं। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि बहुत वक्त बाकी है और बीजेपी अगर 40 पर है और अदर्स जिसे साधने में बीजेपी को अगर वक्त नहीं लगा तो फिर ये सारा खेल बिगड़ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अभी दुष्यंत चौटाला जिस तरीके की बात कर रहे हैं उससे बहुत कुछ साफ हो रहा है। अभी एक दो बार मुझे लगता है कि और जब कुछ ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं जहां की ईवीएम नहीं खुले हैं, वहां की ईवीएम खुलने के बाद बहुत सारी स्थिति और साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद ये तय हो जाएगा कि जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी किस तरीके से डील करती है। वैसे बीजेपी को अब यह अनुमान लग गया है कि पूर्ण बहुमत के लिए उसे अब कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और अगर किस्मत का दरवाजा बुलंद हुआ तभी बीजेपी वहां तक पहुंच पाएगी, क्योंकि अब तक अगर आंकड़े साफ नहीं हुए हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जाकर के बीजेपी के लिए भी कुछ चीजें फंस जा रही है, कुछ सीटें फंसेंगी। और ये अदर्स की जो सीट है जिसे आप 9 बता रहे हैं, 6 तो 6 में अगर 1-2 भी ये बढ़ता है या फिर बीजेपी उसे साधने की कोशिश कर लेती है और उसमें सफल हो जाती है तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। चलिए, लगातार नजर हमारी बनी हुई है लेकिन यहां पर एक बार फिर से देखना होगा कि क्या हरियाणा में कर्नाटक वाला फॉर्मूला कांग्रेस लागू कर देगी, क्या दुष्यंत चौटाला के कंधे पर सवार होकर कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो जेजेपी है उनके 11 उम्मीदवार फिलहाल आगे चल रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों बहुमत से फिसलते जा रहे हैं। बीजेपी जहां 40 सीटों पर आगे चल रही है वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार 33 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि अब यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के नेताओं ने भी दुष्यंत चौटाला से बातचीत शुरू कर दी है, उनके नेता भी दुष्यंत चौटाला से बातचीत कर रहे हैं। आकाश, देखिए, सुबह से एक जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये है कि या तो फिर जेजेपी के नेता बोल रहे हैं या फिर कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, बीजेपी बिल्कुल खामोश है। ना तो कोई दिल्ली से कुछ इस पर बोलने को तैयार है, ना तो हरियाणा के कोई नेता, कोई मंत्री जो वहां अभी मंत्री पद में लिए हुए थे वो भी नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बीजेपी को इस बात का अंदेशा है और बीजेपी भी किसी न किसी तरीके से दुष्यंत चौटाला को साधने की कोशिश करेगी। हालांकि दुष्यंत चौटाला इस बात को जानते हैं कि अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो शायद और शायद उन्हें वो सीएम पद नहीं मिले। कांग्रेस को इसलिए मिल जाए क्योंकि कांग्रेस को सत्ता में वापस लौटना है और वो सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस हाशिए पर है और अगर दुष्यंत चौटाला के बहाने ही कांग्रेस को अगर सत्ता में आने की वापसी की अगर कोई संभावना दिखेगी तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए राजी हो जाएगी। मुझे कहीं नहीं लगता कि कांग्रेस इससे दूर भागेगी। आज सुबह जब चुनावी रुझान आने शुरू हुए थे तो दुष्यंत चौटाला भी मीडिया के सामने आए थे, जब ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर अब बहुमत का आंकड़ा फंस गया है तो दुष्यंत चौटाला ने साफ साफ कहा था कि विधायक दल की बैठक में ही वो फैसला करेंगे कि किसके साथ उनकी पार्टी जाएगी। आपको वह बयान सुना देते हैं। चुनिंदा घंटों की बात है, हरियाणा अपना भविष्य मत पेटियों में डाल चुका है, ट्रेंड्स धीरे धीरे आने लग जाएंगे, मगर ये विश्वास है एक एक कार्यकर्ता की जो मेहनत है, 11 महीनों का जो संघर्षशील सफर है, आज हरियाणा बदलेगा, हरियाणा परिवर्तन की राह पर चलेगा, हरियाणा के अंदर एक नया उदेगा और ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के सत्ता की जो विधानसभा की जो चाबी होगी वो जननायक जनता पार्टी के हाथ में होगी और तो समय बताएगा कि जनता ने किस रुख अपना किया है, मगर मेरा ये मानना है कि जो प्यार एक एक वोटर का मिला, जिस तरीके से ताकत एक एक वोटर ने दी, हरियाणा बदलाव चाहता है। मैं ये मानता हूँ ना तो बीजेपी 40 पार करेगी ना कांग्रेस 40 पार करेगी,
और सत्ता की चाबी जो होगी वो जननायक जनता पार्टी का। जब रुझान आने शुरू हुए थे तो कांग्रेस के सीएम पद के दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सामने आए थे। उन्होंने भी ये कहा था कि आप लिखवा कर ले लीजिए कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, हरियाणा में इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस का बहुमत आएगा, कांग्रेस का बहुमत आएगा। तो हरियाणा का एक बार और आपको हम फिलहाल जो चुनावी रुझान आए हैं वो आपको बता दें कि बीजेपी 40 सीटों पर आगे चल रही है जबकि कांग्रेस 33 सीटों पर, जेजेपी 11 सीटों पर, अर्धस के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही है। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, ये खबर है कि दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी की कांग्रेस से बातचीत शुरू हो गई है। उन्होंने सीएम पद मांगा है, दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को कहा है कि वो सीएम पद का दावेदार उन्हीं को बना दे, उन्हीं की अगुवाई में वहां सरकार बनाए, तो इस फॉर्मूले पर बातचीत हो सकती है। हालांकि यह सूत्रों के हवाले से खबर है, यह खबर कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जब सुबह मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि विधायक दल की मीटिंग में ही यह फैसला लिया जाएगा कि वो किसके साथ जाएंगे। लगातार हमारी नजर बनी हुई है हरियाणा विधानसभा चुनाव पर, पर्पल का अपडेट डेट हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।